नाम सोहा सादिक है, मैं इंडिया से हूँ। आप यहाँ मुजफ्फरनगर आए हैं, क्या खेलने के लिए आए हैं? इधर $25,000 इंटरनेशनल मैचेस चल रहे हैं, इसलिए खेलने के लिए। अभी आप खेले? हाँ, अभी खेला मैंने मैच और जीता फर्स्ट राउंड का। नगर अच्छा है और इधर के ऑर्गेनाइजर्स भी बहुत अच्छे हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं। सिक्योरिटी किसी और जगह नहीं मिलती, मगर इधर दे रहे हैं। सर, ये फीमेल टेनिस टूर्नामेंट है, इसमें कितने कंट्री के लोग आ रहे हैं, आई मीन जो प्लेयर्स आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं और कब तक चलेगा और क्या इसकी थीम है? दरअसल ITF टेनिस टूर्नामेंट पिछले 2002 से हम लोग मुजफ्फरनगर में कराते आ रहे हैं और ये टेनिस टूर्नामेंट 10 तारीख से शुरू हो रहा है। आज क्वालिफाइंग राउंड शुरू हुए हैं और 17 तारीख को इसका फाइनल मैच खेला गया। इसके पीछे जो मेन उद्देश्य रहा है कि मुजफ्फरनगर जनपद में टेनिस को बढ़ावा देने का है, महिलाओं में टेनिस को और आगे बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे देश में ये टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है आज की तारीख में। कितनी कंट्री के और यहाँ भारत सहित मिला के इस वक्त जो है 20 देशों के खिलाड़ी खेल रहे हैं। मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, चाइना, रशिया सहित मिला करके करीब यूक्रेन सहित और भी कई ऐसे देश हैं जो बहुत छोटे कंट्री हैं लेकिन उनके खिलाड़ी यहाँ खेलने आ रहे हैं। कितने प्राइस का है ये? $25,000 प्राइज मनी का टूर्नामेंट है। $25,000 प्राइज मनी के टूर्नामेंट देश में बहुत कम होते हैं। इस बार मुझे मुजफ्फरनगर में ये टूर्नामेंट हो रहा है, देश का सबसे पहला टूर्नामेंट है जो कि बहुत अच्छी रैंकिंग लिए हुए है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अभी यहाँ स्लोवाकिया के प्लेयर पहली बार खेलने आए हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ का ग्रास कोर्ट जो है दुनिया के बेहतरीन ग्रास कोर्ट में एक है। इसके लिए हम सर्विस क्लब के मेंबर्स को और उन सबको धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस कोर्ट को बहुत मेहनत के बाद दिया।